बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। दोस्तों, आमतौर पर हम छोटी छोटी खुशियां आपसे शेयर करते रहते हैं, और आज की जो खुशी है वो मेरे कज़न की खुशी है, और मेरे कज़न और मेरी एक जैसी। तो भाई ने, ये बिलाल अहमद है, तो इन्होंने घर ख़रीदा है, पीछे आप देख सकते हैं। सादा सा घर है लेकिन बहुत बड़ा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खड़े हैं अब्बास भाई, इन्होंने सारा घर जो है ना अभी रिसेंटली बनाया है, और फिर इनका प्रोग्राम जो है ना कोई और जगह जो है ना एक प्रोग्राम बन गया, तो इन्होंने बेचा है अब्बास भाई ने, और बिलाल भाई ने ख़रीदा है। और इस सिलसिले में थोड़ी सी मुझे भी खुशी हुई है। मैंने भी छोटा सा कारोबार, दुकान जो सड़क के साथ ही है, इस घर के करीब ही पड़ती है, तो वो मैंने लगाई है। तो इस सिलसिले में सोचा आपसे ये खुशी शेयर की जाए। तो चलिए जी, आपको घर जो है ना दिखाते हैं। सबसे पहले तो बिलाल भाई, आपको मुबारक हो नए घर की। ठीक है जी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अब्बास भाई, ठीक है आप? ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, ये किसी और जगह अपना घर बना रहे हैं आप, तो अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह करे कि इनका घर जाने का और बहुत अच्छे तरीके से बने। इतना ही प्यार पर है जिनने, जितनी जितनी उन्होंने यहाँ पर मेहनत की, ये इतनी ही प्यारा घर जो है वहाँ पर भी बने, और अल्लाह ताला जो है बने। ठीक है जी, ये जो दो दुकानें हैं ना, ये भी घर से मुतसिल हैं। और मेरे कज़न जो है ना वो टेलर मास्टर हैं, एक शॉप पर, तो वो टेलर का काम करेंगे, दर्जी का काम करेंगे। तो दूसरी जो है ना वो फ़िलहाल मैंने जो है ना मांगी हुई है, ताकि उसमें जो है ना मैं किराना की थोड़ी सी जो है ना एक दुकान लगा सकूँ। ये रोड है, थोड़ी सी है तो सही, वसीला थोड़ा सा है तो सही। तो गाँव में पहले ही दो दुकानें मौजूद हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये है जी शॉप जो मैंने एक लगाई हुई है, नॉर्मल सी है बस। अच्छा जी, तो आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि ऑलरेडी जब मैं यूट्यूब चलाता हूँ और उससे इनकम आ रही है, तो ये दुकान डालने का क्या फ़ायदा है? तो आपको पता है व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और इसके अलावा भी यूट्यूब जो है ना, फिर एक मैं इसे टेम्प्रेरी समझता हूँ कि कुछ पता नहीं है, जैसे सेट बंद हुई ये सारा काम ठप हो गया, तो इस वजह से मैंने ये शॉप डाली है। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। तो बदकिस्मती से एक मसला चल रहा है आजकल फ़लस्तीन और इसराइल का, तो बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें फ़लस्तीन जो है ना वो शहीद हो रहे हैं हमारे ब्रदर्स। तो उस पर जो है ना मैं कुछ दिनों से चाह रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊँ। तो हमने काफ़ी मुताला किया है, तारीख भी पढ़ी है, ख़ासतौर पर तारीख हिंदुस्तान, हिंदो पाक, तो इसके अलावा भी तुर्की की भी पढ़ी है कि कैसे उन्होंने हिफाजत की, तो फ़लस्तीन की भी, और मक्कातुल मुकर्रमा की भी, अरब धरती की भी कैसे उन्होंने हिफाजत की। तो आजकल जो इर्तुगल के ख़िलाफ़ हैं जो लोग, तो उन्हें एक झलक नज़र आती होगी इर्तुगल की, इर्तुगल जैसी गैरत इर्दगान में। तो उन्होंने रिसेंटली इराद फरमाया कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, और कोई मुल्क इस पर वो करे तो हम असलाह और हर किस्म की इमदाद जो है ना वो फराहम करेंगे। ये एक गैरतमंद शख्स का ही इस तरह का जो है ना वो बयान आ सकता है। बाकी जो है ना, हमारी तो ये तारीख रही है कि जब भी तादाद में कम होने के बावजूद हम फतह हमारे मुकद्दर में लिखी जाती थी, हमारी तारीख शुरू से आ रहा है, और मैदान जंग में हम कभी भी नहीं हारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी तारीख है। बाकी ये है कि अब जैसे कि हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि हम मैदान जंग में कभी भी नहीं हारते, तो उन्होंने एक और प्लान तैयार किया, माशी लिहाज से और जहनी लिहाज से जो है ना उन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। अब देखें, हर मुल्क अपनी मसलहत के तहत जो है ना, कोई कह रहा है माशी का बहाना, माशियत का बहाना बनाता है, कोई किसी चीज़ का, कोई अपने ताल्लुकात का, कोई तिजारत का अपना बहाने बनाकर जो मुख्तलिफ बहानों से जो है ना वो इसमें जंग में जो है ना किनाराकशी करते हैं, जो एक लड़ी जानी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेपरेट के साथ।
यहूदियों के खिलाफ, सलीबियों के खिलाफ जो हमारे खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं। हमने साजिशी मफरूज़े पढ़े थे, बहुत पढ़े हैं, और बज़ाहिर मैं ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर ये लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, और मेरा यकीन भी है कि बज़ाहिर वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, असले के लिहाज से भी, मईशत के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो पावरफुल हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारी तारीख बज़ाहिर कमज़ोर होने के बावजूद भी हम, हमारा पलड़ा जो है वो भारी रहता है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है। अच्छा, एक मैं आपको और बताता रहूँ कि जब दौरान स्टडी, तालीम के दौरान जब बसों में सफ़र करते थे, तो वहाँ पर हुक्म आते थे, जैसे भी थे वो अपने कुश्ती और कैप्सूल वगैरह बेचते थे, तो वो डायलॉगबाजी करते थे, अपनी जुमलाबाजी बड़ा इस्तेमाल करते थे। उसमें एक जुमला था जो मुझे बहुत पसंद होता था, वो कहते थे कि कमज़ोरी, वो कहते थे ताकत ज़िंदगी है, कमज़ोरी मौत है। वो इस लिहाज से लहजे में कहते थे कि अब उस जुमला बोलने के बाद जो है ना, वो बहुत सारे लोग बसों में बैठे जो है, वो उनसे कुश्ते और कैप्सूल वगैरह ख़रीद लेते थे, दवाएँ वगैरह बेचते थे वो। तो बज़ाहिर ऐसे ही है जी, मुसलमान कमज़ोर हैं और बज़ाहिर वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हमें अब एक और बात, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो मुसलमान क्या करते थे? वो मुसलमान नई नई अंग्रेज़ों के बंदूकें हुए हुआ करती थी और मुसलमानों के पास नहीं थी तब, तो अब मुसलमान क्या करते थे? मुसलमान मस्जिद में बैठ कर बददुआएँ क्या करते थे कि या अल्लाह दुश्मनों की बंदूकों में कीड़े पड़े, और फिर कोई जिहाद नहीं। ये मुझे ये बताएं, बजाय उठकर उनका मुकाबला करने के, जंग में शामिल होने का, मस्जिद में बैठ कर ये कहें कि या अल्लाह दुश्मनों के बंदूकों में कीड़े पड़े, बंदूकों में ऐसे कीड़े थोड़ी पड़ जाने हैं, आपको डंडा उठाना पड़ेगा और उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, फिर जो है जाकर कुछ ना कुछ बनेगा। बेशक उनके पास बड़े बड़े मिसाइल हों, हमारे पास एक डंडा क्यों ना हो, हम उठाकर अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए, फिर जो है ना अल्लाह ताला जो है ना फिर वो गैबी हेल्प भी भेज देगा, मदद भी भेज देगा, जैसे कि तारीख़ में ऐसा होता आया है। तो इर्तुगरुल ड्रामा आजकल चल रहा है, कैसे उन्होंने ज़बरदस्त, कल मैंने 12 रात ही मैंने देखी, 12 मैंने पिछली रात देखी मैंने, 12 एपिसोड 4th सीज़न में, कितना कितना गैरतमंद बंदा है वो। चंद किस्तों में क्या गायब हुआ है वो सारा, वो प्लान जो है ना चंद अरसे के लिए क्या गायब हुआ है सारा प्लान, आप देखें 7 दिन को पैक और सब कुछ। लेकिन एक 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 दलेर बंदा जो है ना, जब वो आया है सारा, उसने सारी बाजी पलट दी है। शायद आप 12 किस्त देखें 4 सीज़न की, तो यही चीज़ होती है। 56 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन आप देखें नो प्रोग्रेस, ज़ीरो प्रोग्रेस, सिर्फ एक तुर्की है जो अपनी जो है ना वो तारीख पर कायम है। तो अब वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो शोर आ रहा है, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो एट द एंड बात यही है कि जब तक हमें खुद डंडा उठाकर नहीं उठना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, हर लिहाज से जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम वो उठाकर लड़ाई शुरू कर दें, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तब तक हम दुश्मन हमारा वो मैं उस मैसेज को समझेगा भी नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए जी विद स्ट्रॉन्ग सेपरेट।